नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम योगेश, आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं लौटा हूँ, क्योंकि मेरे साथ कुछ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मैं उस वजह से यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर पा रहा था कोई भी वीडियो। तो अभी जो है हम आ चुके हैं वापस, और अब फिर से वीडियो आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर आपका किसी प्रकार का कोई टॉपिक है कुछ भी, तो आप बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिल्टर्स के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, इससे पिछली जो फिल्टर्स की वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि आप पोर्ट्रेचर एक फिल्टर है, इमेज पोर्ट्रेचर को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे जेपीजी क्लीनअप की। ये फिल्टर भी काफ़ी अच्छा है, इसको बहुत से लोग यूज़ करते हैं, अगर आपको पसंद आता तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कैसे आप इसको यूज़ करेंगे फिल्टर हम बताएंगे कंप्यूटर में। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर सीख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे इस चैनल को। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आज हम बात करने वाले हैं फिल्टर्स के बारे में। और यहाँ पर हम फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पर, लेकिन फिर से हम बात करेंगे फिल्टर के बारे में। यहाँ पे हम दूसरे फिल्टर के बारे में बात करेंगे। यहाँ आप फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक फ़ाइल लेकर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये ओके, यहाँ से हम कोई भी फाइल ले आते हैं, जैसे कि मैं अपनी ही कोई फ़ोटो ले आता हूँ, क्योंकि ऐसे किसी की फ़ोटो यूज़ करना सही नहीं रहता। चलिए मैं इसको ले आता हूँ, फोटोशॉप CS3 का मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो 7.0, CS2, CS3, CS5 तक यूज़ कर सकते हैं, कोई सी फोटोशॉप आप यूज़ कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फोटोशॉप चलाते हैं। इस फोटो को देखिएगा, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने कोई भी वर्क कोई भी काम नहीं किया है, तो इसके अंदर बहुत सारे चेहरे पर दाने वगैरह दिखाई दे रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो फिनिशिंग तो नहीं। लेकिन आज हम बात करेंगे फ़िल्टर्स के बारे में। तो फ़िल्टर में अभी जाएंगे, मैंने पिछली जो वीडियो है वो वीडियो है इमेज नोमिक पे, ठीक है, पोर्ट्रेचर। लेकिन आज हम बात करेंगे जेपीजी क्लीनअप। नॉइस में जाके देखिए, यहाँ पर नॉइस में जाके बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम आज बात करेंगे जेपीजी क्लीनअप। ये क्या है, ये भी एक अच्छा फिल्टर है, इस पर अधिकतर स्टूडियो वाले इसको यूज़ करते हैं और लैब पर भी यूज़ करते हैं इसको। तो अगर आपको पसंद आता तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका ये एक छोटा सा मेन्यू खुले आएगा, और यहाँ पे स्मूथनेस, ठीक है, ये तो इसको जितना आप बढ़ाओगे ना, जितना आप बढ़ाओगे, ये देखिए मैं इसको 127 पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देखना फ़ोटो कैसा हो जाएगा, अभी बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। ये मैं आपको टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी तो मैं आपको बताऊँगा आपको कितने परसेंट रखना है, क्या रखना है, उस बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको ये पूरा 127 पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए फोटो, ये देखिए आप, ये था पहले और ये हो गया अब, ठीक है। ये था पहले, ये अब हो गया ऐसे लगाने के बाद। तो ये जो चेहरे पर जो है चिकनापन सा थोड़ा सा कर देता है, तो कोई बात नहीं। अब बात करते हैं, दोबारा जाते हैं इसमें फिल्टर्स, नॉइस और ये जेपीजी क्लीनअप, ठीक है। यहाँ पर इसको 10% से ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं रहता, वरना फेस अजीब हो जाता है। लेकिन अगर आप फिनिशिंग करके आप अपने हिसाब से और थोड़ा बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन फ़ोटो में वो बात नहीं रहती, ओरिजिनलिटी नहीं रहती, इसलिए इसको कम से कम जितना हो सके उतना ही यूज़ करें। बाकी तो ये फ़िल्टर बहुत बढ़िया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और देखिए अब हम लगाते हैं 10% पे, ठीक है। ये देखिएगा, ओके कर दिया मैंने, ये 10% पर है, और मैंने अब इसको जेपीजी क्लीनअप फ़िल्टर लग रहा है, ठीक है। और ये हो चुका है बस, ओके। तो देखिए पहले क्या था, पहले ये था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, और HD में वीडियो देखना तभी दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ये था पहले, बहुत हल्का सा फ़र्क पड़ रहा, बहुत हल्का सा, और ये अब हो गया, ठीक है। ये था, ये हो गया, बहुत HD पर ही वीडियो के पता चलेगा। छोटा कर लेते हैं फोटो थोड़ा सा दिखाने के लिए आपको, जूम करते हैं, देखिए Ctrl Z। तो ये था और ये हो गया, बहुत कम, ना के बराबर ही दिखेगा। आप फिनिशिंग करके फ़ोटो को जब जैसे कि फिनिशिंग करके इस फिल्टर को यूज़ करेंगे तो अलग ही दिखाई देगा, तो पता चलेगा। जैसे फिनिशिंग मतलब जैसे कि ये दाग धब्बे वगैरह हटा के आप जब इसको यूज़ करेंगे ना तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस फिल्टर को आप यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर वर्क करके देखिए। कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपकी फुल मदद करूँगा। तो आज की वीडियो इस टॉपिक पर थी कि जेपीजी क्लीनअप को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।